My dear class 10th and 12th students, very good morning and I hope आप लोगों का दिन काफी अच्छा हो, आने वाला भी काफी अच्छा होने वाला है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें मेल, यूट्यूब पे कमेंट और इंस्टाग्राम पे मैसेज ये प्राप्त हो रहा है कि हमारे स्कूल वाले एप्लीकेशन हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि आप ऑप्शनल एग्जाम दो। तो देखिए ऑप्शनल एग्जाम जो है इम्प्रूवमेंट वाले का जो डेट शीट है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। सीबीएसई ने हम लोगों को दो तरीका बताया था, एक बताया था कि अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, आप रियल में 90 प्लस या फिर 85% जो परसेंटेज आपका आना था वो नहीं आया है तो उससे कम मार्क्स आपको मिला है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा ये मार्क्स आना चाहिए था, इतना नहीं आया, मेरे को इतना मिला है, तो आप अगर चैलेंज करते हैं स्कूल वाले को एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर पे 3 पेजों का एक डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया था, उसमें ये सारी बात बताई थी कि किस तरीके से आपको चैलेंज करना है, डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी काम करेगी, ये आपका राइट्स है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा अपने डिजर्विंग मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑप्शनल एग्जाम दे, ये कोई भी टीचर कोई भी प्रिंसिपल जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स को कॉम्पेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते ऑप्शनल एग्जाम देने के लिए। ऑप्शनल एग्जाम देना स्टूडेंट की मर्जी है, अगर स्टूडेंट ये चाहता है कि हम इसमें मार्क्स नहीं ला पाए, हम ऑप्शनल एग्जाम देके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी इतने दिनों में, तो वो बच्चा खुद से डिसाइड कर सकता है। बट अगर डिजर्विंग स्टूडेंट है, वो जानता है कि मेरे 90-95 आने वाले थे, मेरे को उतना डिजर्विंग मार्क्स नहीं मिला है, तब उस केस में अगर वो चैलेंज कर रहा है तो स्कूल वाले को एक्सेप्ट करना होगा, आपका राइट्स है। अगर कोई बच्चे ऑफलाइन मोड में जाते हैं, स्कूल वाले एक्सेप्ट एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन मोड में सबमिट करें। अगर ऑनलाइन मोड में सबमिट कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन मोड में सबमिट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने स्कूल को यह भेजा है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई भी जो है वो पेनल्टी लगा रही है स्कूल पे, अगर किसी बच्चा कोई बच्चा अगर चैलेंज करता है उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो स्कूल पे सीबीएसई पेनल्टी लगा रहा है, तो स्कूल वाला नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर पेनल्टी लगे, कोई भी स्कूल भी नहीं चाहेगा। लेकिन मेरा स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, अगर आप रियली अगर आप सच में अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका पास का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, आपके पास प्रूफ है, तो आप चाहते हो चैलेंज करना, तो चैलेंज स्कूल वाले को एक्सेप्ट करना होगा। और हाँ, जो बच्चे ऑप्शनल एग्जाम देना चाहते हैं, देखिए इस चैनल पे भी हम लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो मैं यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में कुछ आज क्वेश्चंस पुट अप करेंगे ताकि मेरे को ये पता लग पाए कि बच्चे ऑप्शनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में कितने हैं, या क्लास 10th में साइंस और मैथ्स में कितने बच्चे चाहते हैं कि हमारी क्लास लगनी चाहिए लाइव ऑन यूट्यूब। ये सारी फैसिलिटीज यूट्यूब पे आप लोगों को हमारी तरफ से मिलने वाली है, ठीक है, 1 से 2 दिनों में इसका स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ऑप्शनल एग्जाम की, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आपका एग्जाम में आ सके, ये सारी चीजें हम आप लोगों के साथ डिस्क्लोज करेंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन। मैं बार बार बोल रहा हूं कीप पेशेंस, वी ऑल द एजुकेटर्स आर विथ यू, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक कैंपेन चलाइए ट्विटर पे, सर अगर आप चाहते हो आपकी आवाज सीबीएसई तक पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीबीएसई को मेल करें, जब ज्यादा स्टूडेंट मेल करेंगे तो सीबीएसई को यह समझ में आएगा कि हाँ ये बच्चे को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बट आपको कॉन्फिडेंट होना होगा चैलेंज करने के लिए, क्लियर है, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन चैनल पे मिलेगी, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।